सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विक्रमायण किचन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाए जा रहे हैं मैक्रम तोरण और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए ग्रीन कलर की कोड, येलो कलर की कोड, बीट्स, पेल्स, लाइटर एंड सीजर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 3 ग्रीन 2 येलो कलर की कोड जिनकी साइज़ रहेंगी 5 मीटर, 3 हरी 2 पीली 5 मीटर की कोड हम ले लेंगे और फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद सभी कोड अच्छी तरीके से अटैच हो जाए इसलिए हम नोट को बनाएंगे। और ये नोट को बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ से हरी वाली कोड हमने ली, नीचे से उठाकर फिर उसको हम सभी कोड के ऊपर से घुमाएंगे। पहली बार ये देखिए, एक बार घुमाया ऊपर से, फिर अब घुमाएंगे नीचे से, फिर सेकेंड टाइम में नीचे से घुमाया, ऐसा ऊपर और नीचे से घुमाने के बाद जो है फिर से दोबारा सेम यही तरीका यूज़ करेंगे। तो देखिए, दो बार ऐसे करने पर एक नोट बनती है और ऐसे करते हुए हम कम से कम 13-14 नोट्स जो है वो बना देंगे। तो देखिए, अभी जो ये वाली एक ग्रीन कलर की कोड हमने ली है इसकी ही हम नोट्स को बनाएंगे और कम से कम 6-7 टाइम्स यही कोड की हेल्प से नोट्स को बनाते जाएंगे। अब देखिए, ये हमने एक ही कोड की हेल्प से ये नोट्स को बना दिया था। अब इतनी नोट्स बन जाने के बाद अब हम वन बाय वन कोड को लेते जाएंगे। जो भी आगे की कोड थी, जैसे पहले ग्रीन वाली कोड है उसको हम लेंगे, फिर उसके नोट बनाएंगे, एक ही नोट बनाएंगे, फिर सेकेंड वाली ग्रीन कलर की जो नोट बची कोड बची थी उसको हम लेंगे, फिर उसके नोट बनाएंगे और जो अभी 2 येलो कलर की कोड बची है उसमें भी हम सेम यही तरीका यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, हमने राइट हैंड साइड की तरफ ये नोट्स को बना दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी हम ऐसे ही करते हुए नोट्स को बना देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों ही साइड में नोट्स को बना दिया है। अब दोनों ही साइड को आपस में जॉइन करने के लिए हम इनकी एक एक कोड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, फिर उसके बाद सेम वही दो बार निकालेंगे ताकि दोनों ही साइड जो है वो आपस में जॉइन हो जाए। अब देखिए, अब हम बनाएंगे पाइपिंग और पाइपिंग बनाने के लिए हम लेंगे कॉर्नर वाली राइट हैंड साइड की कोड को। अब ये राइट हैंड साइड वाली कोड को रखेंगे बाकी के सभी कोड के ऊपर, फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और ये जो ऊपर वाली कोड है उसके ऊपर से हम घुमाएंगे दो बार। तो ये देखिए, नीचे से कोड को लिया और ये ऊपर वाली जो कोड है उसके ऊपर से घुमाया हमने पहली बार और यही कोड को घुमाएंगे हम दूसरी बार। ऐसे करते हैं, हमको कोड को घुमाना है और ध्यान रखिएगा येलो वाली कोड को भी ऐसे बाहर की तरफ निकाल देंगे, फिर जो ग्रीन वाली कोड है उसको हम दो बार घुमाएंगे कुछ इस तरीके से ताकि जो येलो वाली कोड है वो साइड में हो जाए। हम यही तरीका यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड में भी यही डिज़ाइन को बना देंगे।
तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की कोड की ही पाइपिंग हुई है। अब जो ये येलो कलर की कोड हमने साइड में इसे करते हुए लिया है थे, अब इसकी पाइपिंग हम बनाएंगे। तो देखिए जिस भी कलर कोड की पाइपिंग हमको चाहिए रहता है, उस कलर की कोड को हमेशा नीचे रखा जाता है। जैसे अभी येलो कलर की कोड की पाइपिंग चाहिए तो उस कोड को हम नीचे रखेंगे, और फिर ये जो ग्रीन वाली कोड को ऊपर रखेंगे, और फिर ये जो येलो वाली कोड है उसको हम घुमाएंगे पहली बार और दूसरी बार, मतलब दो बार घुमाएंगे, तब जाकर इस कलर की कोड की पाइपिंग होंगी। तो ये था तरीका पाइपिंग बनाने का। अभी बस हमको सिंपल ऐसे ही करते हुए पाइपिंग को बनाना है। तो यहाँ पर हमारी ये येलो कलर की कोड की पाइपिंग बन चुकी है। अब हम ग्रीन कलर की कोड की पाइपिंग को बनाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, कलर हमको ग्रीन वाला चाहिए, इसलिए उस कलर की कोड को नीचे रखेंगे। येलो वाली कोड की पाइपिंग नहीं चाहिए, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब पाइपिंग तो करेंगे पर उसकी पाइपिंग नहीं करेंगे, उसको ऐसे करते हुए आगे की तरफ जो ग्रीन वाली कोड है उसको लेकर उसकी पाइपिंग बना देंगे। अब देखिए यही तरीका यूज़ करते हुए हम राइट हैंड साइड की तरफ भी सेम यही दोनों ही कलर के डिज़ाइन जो है पाइपिंग की वो बना देंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सिंपल ही है ये डिज़ाइन। बस इसमें जो है हमको कलर जो है उसका ध्यान देना है। जैसे पाइपिंग बना रहे तो येलो कलर कोड की पाइपिंग बनाएंगे, तो से उसी को ही लेंगे, ग्रीन वाली को नहीं लेंगे। फिर सेकेंड टाइम में जो बड़ी साइड है अंदर की तरफ, वहाँ पर हम ग्रीन कलर की कोड की पाइपिंग लेंगे, येलो वाली कलर की जो कोड है उसको हम छोड़ देंगे। तो बस पाइपिंग के बेस पे पूरी डिज़ाइन बनी हुई है, और सिंपल और इजी है। अब हमको जो है पूरी जो इसकी पट्टी रहेंगी वो सेम ऐसे ही करते हुए बनाना है। यही दोनों डिज़ाइन जो है फॉलो होंगे आगे भी, और एक लंबी साइज जो है आपके डोर के अकॉर्डिंग वो हमको बनाना है। अब जो ये येलो वाली कलर की कोड है सेंटर की तरफ, उनको इससे रखेंगे क्रॉस में। क्रॉस में रख कर फिर वही पाइपिंग की जो नोट रहती है वही बना देंगे, और फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इसी कलर की ये जो येलो वाली कलर की कोड है उसकी पाइपिंग हमको बनाना है। और फिर इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हमको सेम यही तरीका यूज़ करते हुए पाइपिंग को आगे बढ़ाना है। तो क्रॉस सेक्शन में येलो कलर की कोड की पाइपिंग हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब हम लेंगे सेंटर की दो कोट। सेंटर की दो कोट में रखेंगे एक काटा बीट्स को। तो यहाँ पर हमने लिया है पिंक कलर के काटा बीट्स को, गुलाबी कलर का काटा बीट्स है। और फिर उसके बाद सेंटर की दो कोट में इसे रखने के बाद नीचे की तरफ हम पाइपिंग को बना देंगे दोनों ही साइड से, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और ये जो पाइपिंग है उसे बनाने का तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बस वही तरीका यूज़ करेंगे। दो बार निकालेंगे ये देखिए पहली बार, और इसी कोट को घुमाया हमने दूसरी बार। सेंटर में जो ये दोनों ही साइड के एक कोड ये जो नीचे की बची हुई है उसको लेकर फिर वहाँ पर भी सेम वही दो बार घुमा देंगे, ताकि एक नोट बन जाए और ये बीट्स अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। तो देखिए बीट्स अटैच हो जाने के बाद फिर जो है हम ग्रीन कलर कोड के पाइपिंग को बनाएंगे।
तो ये कोने वाली जो सबसे कोने वाली कोड है ग्रीन कलर की कोड, उसको हम लेंगे इसे रखेंगे बाकी के सभी कोड के ऊपर, फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और ये जो ऊपर वाली कोड है उसके ऊपर से घुमाएंगे 2 बार। ऐसे ही करते हुए वन बाय वन कोड जो है वो लेते जाना है और ये जो ऊपर वाली कोड है उसके ऊपर से दो दो बार घुमाते जाना है। ऐसे नीचे की तरफ हम पाइपिंग को बनाएंगे जिससे जो है ट्रेंगल का शेप वो इसमें बनेगा। तो ये हमारी ग्रीन कलर की कोट की पाइपिंग इसमें बन चुकी है। अब आगे येलो कलर की कोट की पाइपिंग जो है वो हम बना देंगे। अब देखिए ये 2 कोट की पाइपिंग हमारी बन चुकी है। अब येलो कलर की कोट की पाइपिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम इसे अंदर की तरफ से 2 बार निकालेंगे। तो अभी देखिए बाहर की तरफ से हमने 2 बार निकाला, अभी हम इसे अंदर की तरफ से निकालेंगे 2 बार। ये देखिए पहली बार हमने नोट बना दी, फिर सेकंड टाइम भी एक और नोट बना दी दूसरी वाली कोट की। तो ये हमारी येलो कलर कोट की पाइपिंग जो है वो बन चुकी है। अब ग्रीन कलर कोट की पाइपिंग को आगे बढ़ा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमारी इतनी बड़ी ये पट्टी बन चुकी है। अब ये पट्टी बन जाने के बाद अब नीचे की तरफ जो है हमको डिज़ाइन बनाना है तोरण का, और इसे बनाने के लिए हम लेंगे 40 सेंटीमीटर के ग्रीन कलर की कोट। पहले एक नोट को बना लेंगे, 40 सेंटीमीटर के हरी कलर की कोट लेंगे, और अब हम इसमें 6 ऑरेंज 6 ब्लू 12 येलो 6 ब्लू 6 ऑरेंज, तो देखिए 6 ऑरेंज 6 नीली 12 पीली 6 नीली 6 ऑरेंज कलर की जो है मटका बीट्स वो हम इसमें अटैच कर देंगे। तो 6 6 है, फिर सेंटर में येलो वाली जो बीट्स है वो 12 है, 12 है, और उसके बाद जो है आगे भी 6 6 बीट्स है नीले और ऑरेंज कलर के। अब ये जो कोट हमने ली थी पहले जो नोट भी बनाई थी उसको ऐसे छोड़ देंगे, और ऐसे करते हुए टोटल 11 लाइन बीट्स की ऐसे ही बना देंगे। 11 लाइन जो है वो ऐसे ही बीट्स की सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए बना देना है। अब ये जो थर्ड वाला जो डिज़ाइन थे थर्ड वाले और सेकेंड वाले, इसके सेंटर में हमको ये कोट को अटैच करना है। और देखिए गेप हमको बराबर इक्वल इक्वल रखना है, ऐसा नहीं करना है एक जगह कम गेप रख रहे एक जगह ज़्यादा गेप रख रहे, ऐसा नहीं करना है, इक्वल रखना है ताकि डिज़ाइन भी हमारी बराबर दिख सके अच्छी तरीके से। तो देखिए 1 2 3 थ्री कलर की ये जो येलो वाली कलर की कोट के डिज़ाइन है उसको छोड़ने के बाद इसे अटैच करना है। तो सभी में हमको 3 3 3 3 डिज़ाइन का ही एक गेप रखना है। अब देखिए अब हम करेंगे क्रॉस सेक्शन, क्रॉस करते हुए डिज़ाइन को अटैच करेंगे ताकि ये जो ऑरेंज कलर के बीट्स आप देख रहे हैं वो दोनों आपस में से दिखे, मतलब एक वी शेप क्रॉस का वो दिख पाए, ऑरेंज बीट्स के साथ ही ऑरेंज बीट्स दिखना चाहिए हमें। तो उसी के पैटर्न फॉलो करते हुए डिज़ाइन बनेंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने ऐसा क्रॉस में रखा, फिर आगे की तरफ जो और फिर से इसके सेकेंड साइड में अटैच कर देंगे, और सभी कोट देखिए पीछे की तरफ हमने ऐसे करते हुए निकाल दिया है। अब यही जो पीछे वाली कोट है इससे हमको लाना है सेंटर में ताकि सेंटर में हम बेल्स को अटैच कर पाए। इसीलिए सेंटर में इन कोट को लाने के लिए पहले हम बनाएंगे एक मतलब ऐसे करते हुए नोट बना देंगे, और फिर सेंटर में से यही दोनों कलर की जो कोट है, सॉरी दोनों कलर नहीं, ये दोनों ही कोट जो ग्रीन वाली कोट है इन दोनों ही कोट को हम घुमाएंगे सेंटर की तरफ से, और सेंटर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे ताकि हम इधर सेंटर में हमको कोई भी एक्स्ट्रा कोट अटैच ना कर नहीं पाए और साथ में बेल्ट्स भी अटैच हो जाए। इसलिए वही की वही कोट हमने घुमा दी, और फिर हम बनाएंगे एक नोट को, और इससे क्या होगा ये सभी जो बीट्स की जो लाइन हमने अटैच करी वो भी अच्छी तरीके से टाइटली अटैच हो जाएंगी। और सेंटर में निकालने के बाद हमने वही दो बार अच्छे तरीके से टाइट नोट्स को बना दिया है। अब ये जो स्मॉल साइज़ के कोड आप सेंटर में देख रहे हैं इसमें हम फिर बाद में रेड कलर के बेल्ट्स को अटैच करेंगे जो कि बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगते। अब आगे की जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं ऐसे ही कर देंगे क्रॉस सेक्शन में, उनमें भी हम सेम टू सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, सेंटर में से यही कोड को निकाल कर फिर बाद में बेल्ट्स को अटैच करेंगे। तो देखिए बेल्ट्स को अटैच करने के लिए एक कोट में ही हम दो बेल्ट्स को रखेंगे, और ऐसे करते हुए टोटल 4 बेल्ट्स अटैच कर देंगे। तो देखिए एक बेल्ट रखा हमने, वही सेकेंड वाले बेल्ट्स को भी रखा, फिर वही की वही लाइट के हमसे स्टिक कर देंगे।
देखिए यहाँ पर जो हमने वो लटकन बनाई थी, बची हुई लटकन, उसे हम इधर कॉर्नर साइड में थ्री लाइन में अटैच करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले छोटी रखेंगे, फिर उससे थोड़ी बड़ी, और फिर लास्ट लाइन में सबसे बड़ी वाली साइड रखेंगे, ताकि ये ऐसे जो है बढ़ते हुए क्रम में दिखे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख पाए। इसीलिए आप चाहे तो दो मोती या एक मोती निकाल सकते हैं। दो मोती निकालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले जो सबसे पास वाली जो लाइन है, उसमें से हम दो जो है बीट्स उसको निकाल देंगे, और फिर नोट को बना देंगे। फिर आगे दो नीट्स पड़े हुए रहेंगे, फिर उसमें से भी निकाल लेंगे। लास्ट एंड में सबसे बड़ी वाली साइड रहेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा बीट्स अटैच होंगे। तो देखिए तीनों ही लाइन को हमने पीछे की तरफ ऐसे घुमा दिया। अब हम इन तीनों ही जो कोड है, उनकी हेल्प से हम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे, जिसमें सेंटर की कोड को ऐसे रखेंगे, लेफ्ट वाली कोड को निकालेंगे राइट से, और राइट हैंड साइड वाली कोड को घुमाएंगे, राइट वाली कोड को निकालेंगे लेफ्ट से। ऐसे करते हुए दोनों ही साइड से हमको निकालना है कोड को, और फिर लास्ट राउंड में से कट करके स्टिक कर देंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने बीट्स जो है ऐसे अटैच कर दिया है। फर्स्ट लाइन में आप देखिए 6 ऑरेंज, 6 ब्लू और 8 येलो कलर के बीट्स है, 6 ऑरेंज, 6 नीले और 8 पीले कलर के बीट्स है। ये हमने पहली वाली जो लाइन है उसकी बात करी। अब वही की वही जो है नीचे की तरफ हम एक बेल्ट को अटैच कर देंगे, और फिर वही की वही लाइट एंगल से इसे स्टिक कर देंगे ऊपर की तरफ। तो ये हमने बात करी पहली वाली लाइन की। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाली लाइन की। सेकेंड वाली लाइन में हमने अटैच करे 6 ऑरेंज, 6 ब्लू एंड 10 येलो कलर के बीट्स को, 6 ऑरेंज, 6 नीले और 10 पीले कलर के बीट्स रहे वो हमने अटैच करे। फिर उसमें भी नीचे की तरफ हम रेड कलर के बेल्स को अटैच कर देंगे। अब देखिए थर्ड वाली लाइन में हमने 6 ऑरेंज, 6 ब्लू एंड 13 येलो कलर के बीट्स को अटैच करे, 6 ऑरेंज, 6 नीले, 13 पीले कलर के बीट्स अटैच करे, और फिर वही रेड कलर के बेल्स को नीचे की तरफ अटैच कर देंगे। तो ये जो तीन लाइन हमने जो बनाई है, इसे हम कॉर्नर साइड में अटैच करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉर्नर में। तो देखिए कितनी इजी तरीके से और सिंपल वे में ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, कलरफुल डिज़ाइन है। और ये जो मटका बीट्स हमने अटैच करे, ये जब आप लाइट में से लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा शाइन करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एकदम ईजी डिज़ाइन है ये, जो कि है कम में क्रम, कम टाइम में आप इसे ईजिली बना सकते बीट्स के हेल्प से। कलरफुल डिज़ाइन जो है वो हमने इसमें बनाई है, बस ऊपर जो है ग्रीन और येलो कलर की ये पट्टी जो है डिज़ाइन वो हमने बनाई है, और साथ में तीन तीन लटकन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अटैच करें। इसे और भी ब्यूटीफुल और कलरफुल बनाने के लिए हमने सेंटर में जो है रेड कलर के 4 बेल्स को भी अटैच करा है। तो इसे आप जरूर ट्राई करें, इसे जरूर बनाइए और अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल से सिंपल मेकअप तोरण डिज़ाइन से। और साथ में कभी आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और साथ में हमारे चैनल मेकअप आर्ट किचन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
हाँ।